नमस्कार, लक्ष्यवत साथे हूं प्रवीण। आजकल देश में बे मुद्दे चर्चा है, एक तो संसद पर संग्राम छे ने संसद बहार कुश्ती बाजूना धरना पण चाली रह्या छे। आवतीकाले नवा संसद भवन नु उद्घाटन पीएम मोदी करशे अने वडाप्रधान ना हस्ते उद्घाटन नो विरोध कांग्रेस सहित 21 विपक्षी पार्टीओ करी रही छे। 25 जेटली विपक्षी पार्टीओ जेमा बीजू जनता दल वायएसआर कांग्रेस पण छे जे आ समारोह में जोड़ाशे। छेला अमुक दिवस थी वार पर अटवानी लड़ाई चालू छे। आजे पण अनुराग ठाकुरे कह्यु के जे लोकोने संसद में प्रतिबंध छे ए लोको विरोध करी रह्या छे। कांग्रेस में पण बे तरह छे। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कह्यु के आ विरोध न थवो जोईए। बीजी तरफ हरदीप पुरी पण जूना आर्टिकल देखाड़ी इतिहास पर जे सवाल कांग्रेस उठावी रही छे ते मुद्दे पलटवार करी रह्या छे। पण आ संसद भवन आजादीना आटला वर्षो बाद आपणे आपणा हाथे बनाव्यु, आपणा टेक्सना पैसे आ संसद भवन बनीने तैयार थयुं। कोविड काळ दरमियान पण आनुं बांधकाम अटक्युं न हतुं। ए संसद भवन ज्यां राज्यसभा होय के लोकसभा होय, तमाम जे सांसदो छे अलग अलग राज्यना जे ते विस्तारना प्रश्नो प्रजाना प्रश्नो मूके छे। राज्यसभा उपलुग्रह ज्यां बुद्धिजीवीओ ध्यान दोरे छे के लोकशाहीमां दिल्ली थी जे निर्णयों लेवाय छे तो जमीनी स्तर पर शुं स्थिति छे तेनाथी अवगत कराय छे। पण आ संसद भवनना विवाद वच्चे 2024 पण आवी रह्युं छे। विपक्षनो विरोध अथवा तो आ जे पूरु चेप्टर छे तेमांथी बहार शुं आवे छे, तेना संकेतो शुं मळे छे अने जे विरोध थई रह्यो छे ए केटलो योग्य छे अथवा तो इतिहास पर जे सवाल उठावाई रह्या छे। કેમકે જ્યારે લોકશાહીમાં આપણે દરેક નાગરિક છીએ, મતનો અધિકાર છે, સરકાર ચૂંટીએ છીએ, એ જ લોકો ત્યાં બેસે છે તો એનાથી રૂબરૂ થવું પણ જરૂરી છે। આવતીકાલે નવા સંસદ ભવનનું ઉદઘાટન અને કુસ્તીબાજો પણ સાથે સાથે ધરણા કરશે, માર્ચ કરશે, કેમકે બ્રિજભૂષણ સિંહના રાજીનામાને લઈને આમ તો બે એફઆઈઆર થઈ છે, છતાં પણ હજુ ન્યાય માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે। તો કાલે બે મહત્વપૂર્ણ ઘટના હશે। તો આજ મુદ્દે આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે બે ખાસ મહેમાન જોડાશે। આલોક ભદૌરિયા આપણી સાથે જોડાશે। आलोक जी आपका स्वागत है। टूक समय में श्रवण गर्ग अपनी साथे जोड़ा से। आलोक जी अभी कुछ ही देर में गर्ग साहब भी जुड़ेंगे, लेकिन आपसे शुरुआत करते हैं। जो पूरा चैप्टर नए संसद भवन का शुरू हुआ, विपक्ष की जो मांग है, 21 कुल पार्टियां है जिसने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अर्जी थी वो खारिज कर दी, लेकिन इन सबसे निकलता क्या है? 2024 की भी तैयारी है, एक पहला पासा यह है कि आने वाले वक्त में विपक्ष जब एकजुट, कर्नाटक का जो इलेक्शन आया, चुनाव के बाद जो नतीजे आए, उसके बाद से एक कवायद वो भी चल रही है कि नॉर्थ से ईस्ट या नॉर्थ से ईस्ट या दोनों चारों दिशाओं में सब विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों में, इन जैसे मुद्दों पर विपक्ष एकजुट नहीं दिख रहा है। तो क्या आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से ये चैप्टर में क्या निकल के सामने आ रहा है? धन्यवाद। मैं इसमें सिर्फ दो चीजें देखता हूं। पहला ये कि जो देश के में जो एक जो प्रवृत्ति इधर जो विकसित हुई है पिछले 8-9 सालों में, एक ये है कि दोनों तरफ कहीं भी एक सहमति का एक रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की जाती है। सत्तारूढ़ पार्टी का अगर आप रवैया देखें तो वो हमेशा खम ठोक करके खड़ा हो जाता है और वो विपक्ष को पूरी तरीके से गलत साबित करता है। और इसमें जो नोएडा मीडिया है या जो कथित जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस सत्तारूढ़ पार्टी का साथ देने निकल जाता है। अभी आप देखिए, अगर आप बहुत अगर सफलतापूर्वक देखें तो राहुल गांधी की, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, संसद के प्रसंग से थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। एक है कि राहुल गांधी ने यात्रा करी, 21-22 दिन उन्होंने कर्नाटक को दिया। आप क्या सोचते हैं कि अगर वो मेनस्ट्रीम मीडिया, अगर राहुल गांधी कर्नाटक का चुनाव नहीं जीता पाते या मल्लिकार्जुन खड़गे अगर नहीं जीता पाते तो ये सारा का सारा दोष राहुल गांधी के माथे मढ़ दिया जाता, और इसमें मेनस्ट्रीम में कथित मेनस्ट्रीम मीडिया की एक बड़ी भूमिका होती। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। आप देखिए, कर्नाटक के बाद लगातार मुद्दों का भटकाव किया जा रहा है, लगातार भटकाव किया जा रहा है। जैसे आप देखिए, दिल्ली का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद आपका एक अध्यादेश आ जाता है कुछ दिन के बाद,
उस अध्यादेश में क्या आ जाता है, फिर से सारी शक्तियां और एक अथॉरिटी के माध्यम से फिर नौकरशाही और प्रकारांतर से फिर सरकार के पास चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो 2000 का नोट आता है, फिर आप उसमें भटकते रहते हैं। तीसरा, फिर अब आपका ये संसद का आ गया। संसद में देखिए विपक्ष ने मांग क्या की थी, विपक्ष ने मांग की थी कि राष्ट्रपति इसका उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते, लोकार्पण क्यों नहीं कर सकती है, ये तो विपक्ष की मांग थी। लेकिन उस मांग का जवाब नहीं दिया गया। अब बात क्या हो रही है, बात हो रही है पेंगोल के ऊपर। भाई पेंगोल के ऊपर क्यों बात हो रही है, हमारा लोकतंत्र है, ये कोई राजा और प्रजा का संबंध तो नहीं है कि जो शक्ति जो एक राजा से दूसरे राजा को हस्तांतरित होती है, वो तो नहीं है। तो ये पेंगोल का इतना प्रचार क्यों, पेंगोल के बारे में इतनी बातें क्यों? भाई सवाल है कि राजा, और हमारे देश में राजा तो है नहीं, हमारे देश में एक असेंबली है, एक असेंबली की जो पावर होती है, अगर वो नेहरू की भी अगर हम बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की, तो उन्होंने भी कहा था कि जो असेंबली की जो पावर जो डिराइव होती है, इट्स डिराइव फ्रॉम द पीपुल ऑफ द कंट्री। ये बहुत बड़ी चीज है, लोगों से आ रही है। तो जब सत्ता का जो हस्तांतरण जो हुआ है वो लोकतंत्र के आधार पर, लोगों की आवाज के आधार पर हुआ है, तो उसमें ये पेंगोल का कहां से आ गया, इन प्रतीकों को लेकिन मेरा मानना है कि अब मार कभी या नहीं थी, ये तो सवाल, ये सवाल कि जरूरत थी या नहीं थी, मैं इस पे नहीं जाता। मैं ये जाता हूं कि एक चीज चाहे जैसे परिस्थितियों में बनी, चाहे कोरोना के कारण बनी, कुछ लॉकडाउन बना उसके बीच में बनी, मजदूरों को जबरदस्ती वहां पर रखा गया उसके बनी, लोगों के सरकार उस दौरान, लेकिन मेरा मानना है कि एक सहमति की, एक सरकार की तरफ से चाहिए थी, विपक्ष से बात करनी चाहिए थी, और कम से कम एक रास्ता निकाला जाना चाहिए कि देश का एक क्षण तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन उस क्षण में अगर आप फेडरलिस्ट एड्रेस नहीं करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए ये बड़ा खतरा है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक इंक्लूसिव होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, इसमें दूसरों के, लेकिन आप दूसरे के विचारों को महत्व नहीं देते, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो मैं आप केवल एक बात है, अगर आप ये देखें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि लोग अपने कर्तव्य याद रखें, आपको ये कर्तव्य, भदौरिया साहब आपकी आवाज थोड़ी कटके आ रही है, मैं वापस से आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, टेक्निकल टीम वो शॉर्ट आउट करेगी। गर्ग साहब, जो भदौरिया साहब ने कहा कि एकजुट एक मत होने की बात है, अब हम नए संसद की बात करते हैं, तो एक तो गर्व लेने वाली बात है लोकतंत्र में कि हम आजादी के इतने सालों बाद अपना संसद भवन बना रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में कर्नाटक के बाद कुछ ऐसे फैसले आए, जैसे दिल्ली वाला फैसला कहा गया, 2000 की नोट का जिक्र भदौरिया साहब ने किया, लेकिन इन सब के बीच में मैंने वही सवाल किया था भदौरिया साहब को, इनसे निकलता क्या है, मतलब ये 24 तो अभी दूर दूर की कोड़ी है, लेकिन यहां पे भी विपक्ष बटा हुआ दिख रहा है, तो क्या हम उस नजरिए से देखें, क्योंकि जो विपक्ष मांग कर रहा है कि नहीं राष्ट्रपति जी को इसका उद्घाटन करना चाहिए, पीएम मोदी को नहीं करना चाहिए, माउंटबेटन ने एक ऐतिहासिक घड़ी दी थी नहीं दी थी, हरदीप पुरी आर्टिकल दिखाते हैं, इन सब के बीच में पूरे हफ्ते 10 दिन से सब कुछ चल रहा है, तो पर्दे के पीछे सही में क्या चल रहा है? देखिए प्रवीण भाई, पर्दे के पीछे यह चल रहा है कि प्रधानमंत्री का विरोध चल रहा है, ये विरोध है प्रधानमंत्री का जो प्रकट हो रहा है, और यह प्रकट हुआ आज, बहुत बड़ा प्रकट हुआ, नीति आयोग की बैठक में प्रकट हुआ, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक से अनुपस्थित रहे। मैं आज की बैठक की सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक आज बैठक में नहीं आए,
नीति आयोग के, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक का नजरिया अभी तक यह था कि वो विपक्ष के साथ नहीं थे, और कल की संसद के इनॉग्रेशन में बीजू जनता दल पार्टिसिपेट करने की घोषणा कर चुका है। आपको देखना पड़ेगा कि कल आते हैं कि नहीं आते। नीति आयोग की बैठक में 8 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अटेंड नहीं किया। राजस्थान है, केरल है, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ये बहुत बड़ी बात है। आजादी के बाद और जो 20-21 राजनीतिक दल कल अनुपस्थित रहने वाले हैं इनॉग्रेशन में, प्रवीण भाई आप बताओ ये छोटी बात है क्या? आप बोल रहे हो कि 2024 दूर की कोड़ी है, 2024 तो 10 महीने बाद है। नहीं मतलब एक्सरसाइज अभी से शुरू हो गई, हो गई। 2000 नोट का जिक्र जो किया भदौरिया साहब ने, हाँ आपको पता है ना कि सूरत में 800 करोड़ रुपए के नोट निकले 2000 के, और वो बैंक में जमा हुए। 800 करोड़ किसको कहते हैं? सिर्फ सूरत में बैंकों में 500 रुपए के नोट कम पड़ गए हैं वहां। आप पूछो तो सही, आपके मोदी जी से गुजराती में पूछो, वहां गुजरात में, कि भाई ये क्यों करा आपने 2000 का, आपको अभी क्या जरूरत थी ये करने की? तो गुजरात के लोग या सूरत के व्यापारी खुश हैं क्या ये जो किया इन्होंने मोदी जी ने? मेरा ये कहना है कि आप 2024 में मोदी जी एक एक करके काम ऐसे कर रहे हैं कि विपक्ष को खुद ही एक कर रहे हैं। विपक्षी एकता की जो आपने सवाल किया है उसकी जरूरत विपक्ष को करने की नहीं है। वो तो आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते थे बीजेपी की बी टीम है। आपने एक ऑर्डिनेंस लाए सुप्रीम कोर्ट की के खिलाफ, उन्होंने जो फैसला किया, और अरविंद केजरीवाल को और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों को अपने खिलाफ कर लिया। ये विपक्ष का सारा काम तो मोदी जी कर रहे हैं। मतलब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो विपक्ष के नेता बने हुए हैं अभी। आप जरा प्रवीण भाई सोचो कि नई संसद में उसकी बैठक होगी, नई संसद की, और उसमें कोई 250 सांसद लोकसभा में और राज्यसभा में उपस्थित नहीं होंगे, तो आप कैसी संसद है वो? उसमें प्रधानमंत्री का भाषण गूंजेगा सिर्फ। और जो भदौरिया जी ने कहा ना, जो नोएडा का मीडिया की जो बात की, तो आप कल देखना पूरा कैमरा जो है वो जो लाइव टेलीकास्ट होगा उसमें दो चीजों पर रहेगा, एक तो बीजेपी के सांसदों पर और दूसरा प्रधानमंत्री पर, और तीसरा जो विशिष्ट अतिथि बुला रहे हैं उन पर। विपक्ष की जो खाली बेंचे हैं उस पर नहीं रहेगा। हम एक कैसा भारत बनाना चाहते हैं ये चिंता की बात है। विपक्ष के बहिष्कार से हमको खुश नहीं होना चाहिए, चाहे नीति आयोग की बैठक हो या संसद के इनॉग्रेशन की बात हो। हमको दुख व्यक्त करना चाहिए कि प्रधानमंत्री 2047 तक कौन सा भारत बनाना चाहते हैं, किस भारत की बात करना चाहते हैं? वो क्या राजशाही के भारत की, सामंतशाही के भारत की स्थापना करते हैं 2047 तक, कि विकसित राष्ट्र का बोलते हैं कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो क्या हिंदू विकसित राष्ट्र बनने वाला है 2047 तक? भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री ने इस समय बड़े संकट में ला दिया है, और यह संकट बढ़ता जाएगा। एक के बाद एक राज्य हार रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तेलंगाना में है,
मिजोरम में है, आप देखो ना मिजोरम कहाँ है, मिजोरम मणिपुर के पास है। मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में हमारे गृह मंत्री नहीं पहुंच पा रहे हैं। मणिपुर में आग लगी हुई, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह का चल रहा है, इतना टाइम हो गया, आप सोच सकते हो कि किसी देश में इस तरह की स्थिति हो सकती है? आप कभी सोच सकते हो कि जंतर मंतर पर वो जो बच्चियां हैं आपके लिए मेडल लाती हैं, जिसको आप बड़े गर्व से बताते हो, वो इतने समय से आंदोलन कर रही है वहां पे, और कल जो है पूरे पंजाब हरियाणा और यूपी के किसान पहुंचने वाले हैं दिल्ली। वहां पर आप सोचो कि क्या होना हो क्या रहा है देश में। तो ये जो चल रहा है ना प्रवीण भाई, इसके बारे में दुख व्यक्त करना चाहिए। नहीं, ये सही है, ये तस्वीर आपने सही बात बोली कि ये तस्वीर सही नहीं है। लेकिन गर्ग साहब ने जो बात बोली भदौरिया सर, अगर सुप्रीम कोर्ट अर्जी खारिज कर देता है फिर भी विपक्ष वही मांग, मतलब जो विपक्ष की मांग है वह एक ही है और उस पे अड़े रहता है विपक्ष, मुख्य पार्टी कांग्रेस को जोड़ के, तो इससे क्या मैसेज जाएगा? गर्ग साहब ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री जी या बीजेपी मुद्दे दे रही है विपक्ष को एक करने के लिए, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी की यूएसपी रही कि एजेंडा खुद सेट करते हैं, उसके आसपास विपक्ष गिरता है। तो कि ये परिस्थिति में बदलाव होता दिख रहा है, क्योंकि वही चीज रेसलर्स के साथ भी है का कितने महीनों से, वैसे तो सालों पुराना किस्सा है, लेकिन उनपे कार्यवाही क्यों इतनी जल्दी नहीं की गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस बंदे पे आरोप लगा है वो भी सांसद है अल्टीमेटली, रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर पिछले अगर 8-9 सालों में अगर आप इतिहास देखें, 8-9 सालों नहीं अगर 63 सालों पे अगर आप ध्यान दें, तो आप ये मान करके चलिए कि कभी भी कोई जो बड़ा जो मुद्दा होता है उसमें ये लोग डक करते हैं, शुतुरमुर्ग के तरीके से अपना जो वो नीचे रेत में छुपा लेते हैं, वो कभी जवाब ही नहीं देते, चाहे हमारे गृह मंत्री हों चाहे वो प्रधानमंत्री हों। ये प्रवृत्ति देखी गई है केवल इस वाले मामले में नहीं, अगर आप इससे पहले अगर आप याद करें तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे जो टेनी बाबू थे, इनके लड़के ने आशीष मिश्रा ने जो किया था, उस वाले मामले में भी कोई बयान नहीं आया था। इससे पहले जो प्रज्ञा ठाकुर का जो आया था तो उसमें भी था कि वो हृदय से माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई थी। तो महत्वपूर्ण ये है कि ये कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर आप इससे याद करें कि इससे पहले एक बार चंडीगढ़ में एक घटना हुई थी, एक आईएएस की लड़की थी, उसके साथ में एक भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके पुत्र ने छेड़छाड़ करी थी उनके साहबजादे ने, उसके बाद मुकदमा दर्ज होने में समय लगा था और उस पर कार्रवाई होने में समय लगा था, लेकिन कार्रवाई तब हुई थी जब आईएएस के तमाम संगठन उसमें सक्रिय हो गए थे, क्योंकि उसके पिता आईएएस थे। तो मोदी बहुत, प्रधानमंत्री मोदी बहुत आसानी से नहीं सुनते हैं। आपने किसान आंदोलन वाला भी देखा, अब किसान आंदोलन में उन्होंने 3 कानून ऐसे बना दिए जो ये था कि जनता के हित में थे, उन्होंने किसानों के संगठनों से राय करके ये बात की थी, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे, लेकिन जब ये बात आई कि आपने किन संगठन से बात की थी तो ये तमाम दिन तक ये चुप्पी साधे रहे, इनके पास कई हफ्तों तक जवाब ही नहीं था कि उन्होंने किस संगठन से बात करी, बाद में जिसका जो हवाला दिया गया था वो भी आप जानते हैं। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है, मुझे ये लगता है कि जो शासन की जो ये प्रवृत्ति चल रही है कि जो एक जबरदस्त जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, ये एक लोकतंत्र के लिए ये एक अच्छी चीज नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, फेडरलिज्म यही कहता है, संघवाद यही कहता है, लेकिन ये इसको मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आप एक चीज ये देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक कार्यक्रम था, क्वाड की मीटिंग स्थगित हो गई क्योंकि जो बाइडेन साहब नहीं पहुंच रहे थे वहां, वो स्थगित हो गई। यहां तब भी पहुंचे, क्यों पहुंचे, अब याद करें, उसको जोड़िए कर्नाटक के नतीजों से, जोड़िए कर्नाटक का नतीजा, उसके बाद वहां पे इतना बड़ा भारतीय जो समुदाय को इकट्ठा करके एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, एक इमेज बनाई गई, लेकिन उस इमेज को थोड़ा सा और तार तार करिए। एक देखिए, एक फोटो छपी थी डाइस की, उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वितीय पंक्ति में खड़े हुए थे, प्रथम पंक्ति में नहीं थे, आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक ऐसा है कि ये अपने प्रचार तंत्र के द्वारा
ये चाहते ही नहीं कि ये सारी की सारी बातें लोगों तक सच पहुंचे। और दूसरी बात, विपक्ष की जो एकता हो रही है उस एकता की बातों को ये पहुंचने ही नहीं दे रहे। यहां भी देखिए, संसद के उद्घाटन में प्रमुख मांग क्या थी, राष्ट्रपति जो एक आदिवासी है जिसका इन्होंने खूब सारा प्रचार किया या हमने उनको दिया मौका दिया, वो राष्ट्रपति चुनी गई, उनको बुलाए जाने के सवाल पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब जवाब क्या हो रहा है कि उन्होंने बनाया। जगदीप धनखड़ पे भी बात हुई, विपक्ष ने ये भी मुद्दा उठाया। और दूसरी बात, केसीआर जो अब तक अड़े हुए थे वहां पे भी थोड़ा सस्पेंस जैसा खड़ा हो गया। बाकी विपक्षी पार्टियों की बात की जाए, गर्ग साहब, और जो डिलिमिटेशन की बात है उसके हिसाब से भी क्या नए संकेत मिल रहे हैं आने वाले वक्त में? जैसी बैठक व्यवस्था है 1272, मतलब आने वाले कई सालों तक ये संसद से देश चलेगा। मैं आपको प्रवीण भाई एक चीज बोलना चाहता हूं, ये जो आपने जिक्र किया ना सुप्रीम कोर्ट का, या वो जो सुप्रीम कोर्ट का और संसद के इनॉग्रेशन का, आपके श्रोताओं को थोड़ा सा करेक्शन देना चाहता हूं, करेक्टिव पोजीशन। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुना ही नहीं। देखिए, दो चीज होती है, जो खबर है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट इंक्लाइंड टू हियर द पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान सुना ही नहीं, उनको उनके आर्गुमेंट को ही नहीं सुना। और उनको वो जो तुषार मेहता थे सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि इसको खारिज कर देना चाहिए। और उन्होंने जब पिटिशनर ने कहा कि वो वापस लेना चाहते हैं, तो तुषार मेहता ने कहा कि ये वापस इसलिए ले रहे हैं कि ये और किसी बेंच पे लगा देंगे सुप्रीम कोर्ट में। उनका ये आर्गुमेंट था कि राष्ट्रपति जो है वो पार्लियामेंट का हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर जो है सिर्फ एग्जीक्यूटिव होता है उसका, पार्लियामेंट का वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। पार्लियामेंट को बुलाने का और नहीं बुलाने का दोनों हाउसेस का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो प्रमुख होता है पार्लियामेंट के लिए, तो ये जो अधिकार है इनॉग्रेशन का ये राष्ट्रपति का, ये पिटीशन में है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनाई नहीं, इंक्लाइन ही नहीं किया। खारिज करने की बात नहीं है इसमें कि खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि आपका आर्गुमेंट गलत है या सही है या कुछ नहीं, या ये कुछ नहीं किया होगा, ये थोड़ा सा करेक्शन है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो संख्या है जो आप बता रहे हैं 1200 लोग की संख्या है, इसका मतलब क्या है? जो अगर आपके संसद में विपक्षी नहीं है, आपके संसद में बैठने के लिए और आप विपक्ष को बोलने भी नहीं देना चाहते, और जो विपक्ष बोलेगा तो उसको एक्सपंज कर देंगे, जैसे राहुल गांधी ने जो बोला सारा एक्सपंज कर दिया, तो आप बताइए कि ऐसी संसद का क्या मतलब है? और वो संसद जब चलेगी तो उसके बारे में देश की जनता के मन में क्या राय बनी? तो इसलिए प्रधानमंत्री को जो तुरंत प्रभाव से जो काम करना चाहिए प्रवीण भाई, वो ये करना चाहिए। वो खुद की पार्टी को भी विश्वास में नहीं लेते हैं, वो तो जो बोल देते हैं कि ये होना वो होना, मीडिया जैसा भदौरिया जी ने कहा पूरा का पूरा उनके कहने पे चलता है, गुजरात समाचार जीएसटीवी नहीं चलता है, पर नोएडा तो चलता है ना पूरा का पूरा। तो दिक्कत क्या है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है ये अब 2024 तक काफी बढ़ेगा, और 2024 की जो लड़ाई है वो एक अलग किस्म की लड़ाई बनने वाली है। और वो उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। बहुत सही बात कही, क्योंकि 2024 तक ये शायद ये पहला पड़ाव है, आगे और पड़ाव आएंगे, लेकिन सभी विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। मुद्दे कई सारे हैं लेकिन विपक्षी एकता एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और बीजेपी के लिए जब 10 साल कंप्लीट होंगे तो इन सब सारे मुद्दों को अच्छे से जवाब देके या फिर
वापिस से सत्ता में कैसे आए, संसद तो बन गई लेकिन आने वाले वक्त में जिस संसद में बैठ के जो मुद्दे उठाए जाते हैं या सुनाए जाते हैं या फिर सुने जाते हैं, तो उस मुद्दे के ऊपर कितनी बात होती है वो भी जरूरी है। नया संसद भवन बना, हम सबके लिए गर्व की बात, लेकिन विवाद के चलते क्या विवाद के पीछे और कोई स्टोरी चल रही है? गर्वनी बात छे, संसद नो आवती काले उद्घाटन थशे, पण नीति आयोग में मुख्यमंत्रीओ हाजर न रहे 8 राज्यना, अने कदाच 21 जेटली पार्टीओ आ नवा संसद भवन समारोहना उद्घाटन में हाजरी न आपे तो ए लोकशाही माटे दुखनी बाबत। धन्यवाद भदौरिया साहब, गर्ग साहब, आप दोनों जुड़े चर्चा के लिए, आपने वक्त निकाला। आ साथ लक्ष्य